अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ हैदराबादी ग्रीन चिकन। हैदराबाद की शादियों में बनाया जाता है और बहुत ही जल्दी बन जाएगा। चलिए बनाते हैं हम ग्रीन चिकन रेसिपी। तो चलिए हम मसाले देख लेते हैं। 2 चम्मच लिए हैं मैंने धनिए, 1 चम्मच लिया है मैंने किचन किंग मसाला, 1 चम्मच लिया है मैंने भुना हुआ ज़ीरा, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिए, 1/2 चम्मच लिया है मैंने गरम मसाला, और बघार के लिए लिया है हमने तेज़पत्ता, दालचीनी, फूल और इलायची, काजू लिए हमने 50 ग्राम, बादाम लिए 50 ग्राम, हरी मिर्च हमने लिए 10 से 15। हरी मिर्च इसलिए ज़्यादा दिख रही है आपको क्योंकि हम इसमें लाल मिर्च नहीं डालेंगे। 1 मुट्ठी कोथमीर और 1 मुट्ठी पुदीना। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने लिया है 3 चम्मच। प्याज लिए हमने 4 मीडियम साइज़ की, जो कि हम इसको आधी हम इसको तल लेंगे और आधी हम फ्राई करने में डालेंगे। दही हमने लिया है 100 ग्राम। चिकन लिया है हमने 700 ग्राम। हमने कोथमीर, हरी मिर्च, पुदीने को बारीक पीस लिया है। अब सबसे पहले हम इसमें डालेंगे दही। दही को मैंने फेंट लिया था, आप भी फेंट लीजिए। फिर हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च का पेस्ट। अब हम इसमें डालेंगे 1 नींबू जो हमने निचोड़ लिया था, अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसमें डालेंगे 1/2। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसमें हम डालेंगे कलर, ग्रीन कलर, ये ऑप्शनल है, आपका दिल चाहे तो डालिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम अच्छे से मिला देंगे, इससे कलर अच्छा आ जाएगा हमारा, जो कि ग्रीन हमारा चिकन है। इसको अच्छे से हमने मिला लिया है। अब हम इसको रख देंगे मैरिनेट के लिए 2 घंटे के लिए। 2 चम्मच हमने इसमें डाला है तेल, 4 प्याज ली थी जो हमने और उसको बारीक बारीक काट लिया था, अब हम इसको फ्राई करेंगे। प्याज हमारी गोल्डन हो गई है, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम इसी प्याज में गरम मसाले डाल देंगे। और हम अब चिकन डाल देंगे। गैस की फ्लेम कर दी है हमने फुल और अब हम इसे बिना ढके ही पकाएंगे। चिकन का पानी कम हो गया है थोड़ा, तो अब हम इसमें डालेंगे हमारे सूखे मसाले और इसे हम 5 से 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। अब हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है,
देखिए दानेदार भी हो गया है, दाना भी आ गया है इसमें हमारे मसाले में। अब हम इसमें डालेंगे काजू और जो हमारी प्याज ब्रिस्ता थी उसका पेस्ट। फ्लेम को कर देंगे बंद और अब हम इसे डिश आउट करते हैं। इसको हम 5 मिनट के बाद खोलेंगे। तो देखिए हमारा ग्रीन चिकन कोरमा तैयार हो गया है। इसको आप नान की रोटी से सर्व कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।